पैरा हो जाऊं, बाहर जाके सो जाता हूं। कई साल पहले एक ताकतवर राजा था। उस राजा को एक बात का, सामने तो कोई बैठा नहीं है, ये किससे बात कर रही है? औलाद नहीं थी। एक दिन कुत्ते भी रो रहे हैं। क्या हुआ दादी? हाँ, किसे कहानी सुना रही हो? मैं अपने पोते को सुना रही हूँ। पोते को? पर यहाँ तो कोई नहीं है दादी। वो इस दुनिया में नहीं है, पर जब भी उसकी याद आती है मैं उसे कहानी सुनाती हूँ, मेरे मन को शांति मिलती है। लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं। दादी दिल छोटा मत करो। अच्छा एक काम करो, आज से मुझे ही अपना पोता समझ लो। हाँ? तो क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकती हूँ? इतनी रात को कहानी? ठीक है, सुनाओ दादी। उज्जैन के प्रसिद्ध राज्य में हस्तिनापुर नाम का एक शहर था। सांसारिक संसाधन, जल संसाधन, ये सब की कोई भी कमी नहीं थी वहां पर। इसका जैसा कोई और शहर नहीं था। और इस राज्य पर राज करने वाला राजा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। अरे फूल को पत्थर समझ के मार रहा, जेल में डाल दूंगा। तुम्हारे जैसा कहा मैंने, तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ना ही उसका स्वागत करने के लिए वहाँ कोई आता, और ना ही उसके पास कोई सिपाही थे। इतना ही नहीं, उसके पास तो पालकी भी नहीं थी। सिर्फ नाम से वो राजा था। ये क्या बात है दादी, कहानी में भी जिसका नाम राजा उसकी कोई औकात नहीं है? नहीं नहीं, उसके नाम के हिसाब से उसे राजा बनना चाहिए था, पर उसकी फूटी किस्मत सेनापति ही बन पाया। तुम्हें पता है उस राज्य का असली राजा कौन था? सब लोग विराजिए। सेनापति जी महाराज, बताइए कि पहले अंडा आया या मुर्गी? पहले तो अंडा ही आया। पहले हम आए, फिर हमने ये चीजें मंगवाई। सेनापति जी, आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? शुक्र करो कि तुम पे मेरी जूती नहीं आई। महाराज के विरोध में बात कर रहे हो? ए तलवे चाटू, मैं तो तेर से बात कर रहा था ना, महाराज को बीच में क्यों घसीट रहा? बहुत हुआ। तुम्हें अपनी हंसी रोकने के जुर्म में आज ही सेनापति के पद से मुक्त करता महाराज। तुम्हारा दंड होगा 3 दिन के लिए घोड़े का गोबर इकट्ठा करना। अगर घोड़े ने टट्टी नहीं की तो हाथी का गोबर इकट्ठा करो। तेरा सवाल मेरी जिंदगी में भवा ले आया। महाराज एक और चौक मारो, मैं हंसता हूँ ना। हमने कह दिया सो कह दिया, ये है मेरा शासन। अरे बंद कर अपना भाषण। ये तो मुझसे ही काम करवा रहा है राजा भैया, दंड तुम्हें मिला है, काम मुझसे करवा रहे हो। ओबे जल्दी कर, चल जल्दी कर। मैं राजा साहब से शिकायत करूंगा। गोबर है, सुन क्यों रहे? राज गद्दी पर बैठने वाला यहाँ बैठ गोबर समेट रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरा चेहरा, तेरी दाढ़ी, ये सब देखकर शर्म नहीं आती मुझे, तो काम करते हुए क्यों शर्म आएगी? मैं मोटप्पा। मोटप्पा नहीं सियाप्पा, कटप्पे के सर की झू, महेशमती साम्राज्य के नाम पे कलंक है तू टकला। मैं क्या करूँ राजा, यहाँ कुछ उगता ही नहीं। सूरज उगने से पहले सर पे गोबर लगा। ये ले टोकरी और भर के ले जा गोबर। क्या कर दिया? अरे रुको, ये कौन उठाएगा? देश के रक्षक नहीं भक्षक हैं। क्या बात है सेनापति, काली टोपी वाले नजदीक आ गए हैं। हमें दो। सिर्फ देखते रहोगे तो डर ही लगेगा ना, प्लान बनाते हैं और जंग का ऐलान कर देते हैं। इतिहास गवाह है, जिस राज्य पर काली टोपी वालों का हमला हुआ है वो राज्य नष्ट हो गया है। चुप कर,
पहले से राजा की फटी पड़ी है, तू और डरा रहा है। वो होते ही बहुत खतरनाक है, वो जहाँ भी जाते हैं बेरहमी से लूटपाट मचा देते हैं। ये सच कह रहा है। क्यों, तुम लोगों को उनके साथ मिलके हमें ही लूटना है क्या? युद्ध से पहले बलि देते हैं ना, तेरी बलि चढ़ा दूंगा। आदरणीय मंत्रियों, जल्दी से दरबार लगाओ, सबसे कहो मेरा आदेश है। मोटापा, युद्ध के लिए तुम्हें कितने सिपाहियों की आवश्यकता है? महाराज, मुझे 500 सिपाही चाहिए। दुश्मन के सामने घुटने टेकने के लिए 500 सिपाही क्यों चाहिए, अकेले नहीं जा सकता? वीर सिंह, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? महाराज, हजारों सैनिकों की सेना से मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा, तू तो मैदान से भाग जाएगा। हा? फिर उनसे लड़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा। चुप कल के सेनापति। और क्या महाराज, एक सेना की ताकत उसका सेनापति है। अगर हम दुश्मन के सेनापति का सर कलम करने में कामयाब हुए तो बाकी सब घुटने आराम से टेक देंगे। शाबाश, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमें सेनापति राज सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। सभी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार करो, ये मेरा आदेश है। जाओ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मोटापा। हाँ बप्पा। राज्य के लोगों को सुरक्षित करना होगा। रुको भाई, अपन पहले अपने परिवार को ठिकाने पर करके आता हूँ। मैं लंगोट कस के बांध के आया। दरवाजा तो बंद कर दे। चल हट, तीसरी पत्ती का कौन जवाब देगा? निकम्मे। वो दे। कुछ भी रहता है। ये घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं या ट्रेडमिल पर? ये तो आसमान में भी उड़ने लगे। पाताल में भी वही सीन है। तो ये हॉर्स ब्रांड दूरबीन की वजह से इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया इस महल में। क्या हुआ, और बड़े दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, डर के सिकुड़ गए हैं। तलवे चाटू, दूरबीन की कंपनी के स्टिकर से सबको डरा दिया। किस तरह का सेनापति है तू? तुझे नौकरी किस बेवकूफ ने दी? युद्ध पर जाने की बजाय तुम दोनों बातें कर रहे हो। आइया महाराज, आप भी सुनिए आपके चहेते सेनापति ने क्या गोल खिलाया। तुम बड़ा चढ़ा के बताओगे, मैं खुद ही बताता हूँ। ऐसा कोई महान काम नहीं किया महाराज, वो एक धमकी भरा लेटर लिखकर कबूतर के जरिए उनको भेज दिया। वही पढ़कर भाग खड़े हुए वो लोग। महाराज ये झूठ बोल रहा है। सच्चाई मैं अपनी आंखों से देखूंगा। पर महाराज कैसा पागल राजा है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, वो सारे घोड़े कहाँ गए? महाराज वो घोड़े यहाँ। सेनापति, मैं तुम्हारी अकल की कदर करता हूँ। स्टिकर खाना अकलमंदी का काम है। अगर युद्ध होता तो तुम दुश्मन को कच्चा चबा जाते। चबा तो लिया है, पर अब पता नहीं किस रास्ते से निकलेगा। ज्ञान बालक, तुम इधर आओ। आओ फिर सेंडी लगाएगा। शूरवीर, तुम एक निडर सिपाही हो, दुश्मन को भगाकर बहुत बहादुरी का काम किया है। अपने राज्य का उत्तराधिकारी मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा, तैयार रहना। विजय भव। अरे पर महाराज, दुनिया में इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं दादी? फरेब और झूठ से हर चीज हथिया लेते हैं। मुझे नहीं सुननी ऐसी कहानी। ये क्या, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? बैठ जाओ, कहानी कहाँ खत्म हुई? राज्य अभिषेक के दौरान क्या हुआ नहीं जानना चाहोगे तुम? ये सारा प्रबंध किसने किया है? मैंने किया महाराज। कटआउट कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, उत्तम उत्तम, आश्चर्यजनक। महाबली महाबली महाबली।
महाबली महाबली। पकड़ पतली गली, तेरे बाप का नौकर हूँ, खींचना तू भी, बुला सबको। अरे राज सिंह आप हो? राज सिंह अति उत्तम। अपना जूता दो। अरे क्या कर, छोड़ मेरी टांग। अरे क्या कर, छोड़ ना मेरी टांग, छोड़। ये क्या है, इतनी बदबू आ रही है। अबे पैर में पोटी लगी थी, घसने के लिए जगह ढूंढ रहा था, तूने खुद ही मेरा पैर उठा के अपने सर पे घस दिया। गंदा लगा है, छी 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 छी। अरे खुद ही छोड़ गई, कहां जा रहे हो, पूछने दो ना। महाराज कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो राज सिंह। राज्य के गली कूचों में जगह जगह पर इश्तिहार की तरह अपनी फोटो लगाने से प्रजा को बहुत दिक्कत और मुश्किल हो रही है महाराज। इस घिनौनी हरकत पर आज ही रोक लगा दीजिए। और वैसे भी महाराज, अगर राजा महान हो तो उसे पब्लिसिटी की जरूरत कहाँ पड़ती है। एक राजा का फर्ज होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, और मेरा ये काम तुमने पूरा किया है, शाबाश राज सिंह। महाराज लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी से मेरा राजाभिषेक पूरा कर ले क्या। चुप कर राज सिंह, आओ। राज सिंह तुमने इस राज्य के लिए अपना पसीना बहाया है, इसलिए तुम्हें एक और अवसर अवश्य दूंगा। मेरे जन्मदिन के उत्सव पर तुम और ये हमारी प्रजा की भलाई के लिए कुछ खास योजना बनाओ। जिसकी भी योजना मुझे अच्छी लगी, मैं उसे अपने राज्य का राजा बनाऊंगा और उसका राज्याभिषेक करूंगा। इसका मतलब राज्याभिषेक होगा ब्रेक के बाद। मगर मैंने तो तीन दिन। यही है मेरा फैसला, यही है मेरा शासन। महाराज की ये घोषणा सुनकर प्रजा तो बहुत खुश हो गई, धन की वर्षा भी शुरू हो गई। धन की वर्षा? दादी शहर में नॉर्मल वर्षा नहीं हो रही है, और आप धन की वर्षा की बात कर रही हो। ये तो कहानी है, कुछ भी हो सकता है बेटा। किससे कहानियों की बातें, अगर सच हो जाती तो मजा ही आ जाता। घंटी बजी, सच ही होगा। कुल्फी वाले की घंटी है, 10 रुपए उधार लिए थे, वो मांग रहा है। चुपचाप सो जाओ अब।